वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है क्लॉक। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, पर ये जो टाइप है बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घड़ी की दो सुइयां हैं उनके बीच में कोण कितने डिग्री का होगा। तो अगर बात करें 12:15 पे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और ये उसके चार ऑप्शन होंगे, तो 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो 90 डिग्री पे आंसर लगाएंगे, घर आएंगे, सोचेंगे हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया है, जबकि आंसर आपका रॉन्ग है। अब देखेंगे हम कि आपका आंसर रॉन्ग कैसे है। देखने पे तो लग रहा है कि भाई 90 डिग्री का कोण है, बिल्कुल 12:15 पे समय कुछ ऐसे ही होता है। पर यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 12:15 की जब आप बात करते हैं तो ये जो छोटा कांटा है ये एग्जैक्ट 12 तक कभी नहीं होगा, 15 मिनट में थोड़ा ना थोड़ा आगे तो चल ही दिया होगा। तो हमारी जो ट्रिक्स है, ये जो ट्रिक केवल इसी कंसेप्ट पे आधारित है। तो इसे ध्यान से देखते हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ये ट्रिक आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, किसी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्रिक है ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग है। अगर बात करें कि 12 बजे हैं और अगर बात करें कि 1 बजे, ये 1 बजे का टाइम है, ये 12 बजे का टाइम है। 1 घंटे में जो छोटा कांटा है आप देख रहे हैं कितना आगे आ गया है, कोई बता सकता है? तो देखिए कितना आगे आ गया हम देखते हैं। अगर ये 360 डिग्री का एंगल है और इस 360 डिग्री के एंगल को घड़ी में 12 कितने सेक्शन, 12 सेक्शन में डिवाइड किया जाए तो 30 डिग्री का एक सेक्शन होगा। मतलब ये जो 12 से 1 या 1 से 2 के बीच का ये जो सेक्शन है ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में छोटा कांटा 30 डिग्री आगे आया है। तो एक टेबल बना लेते हैं, बड़ा कांटा और छोटा कांटा, यहाँ पे हम समय लिखेंगे मिनट्स में और यहाँ पे डिग्री में लिखेंगे हम इसका डिफ्लेक्शन। तो बड़ा कांटा जब 60 मिनट चलता है तो छोटा कांटा 30 डिग्री आगे बढ़ता है, कितने डिग्री आगे बढ़ता है, 30 डिग्री आगे बढ़ता है। जब ये 30 मिनट चलेगा तो इसका आधा है 15 डिग्री आगे बढ़ेगा, अगर इसका आधा कर दें 15 मिनट आगे चलेगा तो ये 60 डिग्री आगे बढ़ेगा। तो देखिए एक तरफ हम लिख रहे हैं मिनट और एक तरफ हम लिख रहे हैं डिग्री में डिफ्लेक्शन छोटे कांटे का। तो आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ लिखा जा रहा है उसका आधा इधर आ रहा है, जो यहाँ लिखा जा रहा है उसका आधा इधर आ रहा है, जो यहाँ लिखा जा रहा है उसका आधा इधर आ रहा है। मतलब अगर यहाँ 10 मिनट होंगे तो ये 5 डिग्री होगा, अगर ये 2 मिनट होंगे तो ये 1 डिग्री होगा। आया समझ में? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इसी पे से आपका बन जाता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई 2 मिनट में छोटा बेटा कितने डिग्री का डिफ्लेक्शन दिखाएगा, कितने डिग्री आगे बढ़ेगा, तो आंसर है 1 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, याद रखिएगा। अब इसी मेथड पे हमारा आगे की ट्रिक्स जो है वो इसी मेथड पे डिपेंड करेगी। देखिए 12:15 ये हमारा क्वेश्चन था, तो देखते हैं 12:15। सबसे पहले जो भी टाइम दिया है वो आपको यहाँ पे ग्राफिकली बना लेना है। तो ग्राफिकली 12:15 की पोजीशन ये है, यहाँ जो एंगल दिख रहा है वो लिख लेना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है नहीं। अब हम देखेंगे कि बड़ा कांटा कितने मिनट आगे चल चुका है, तो 12:15 हो रहे हैं मतलब 15 मिनट आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 मिनट अगर ये आगे बढ़ चुका है तो छोटा कांटा कितने डिग्री आगे बढ़ चुका होगा अपनी जगह से, 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो छोटा कांटा है ये अब अपनी जगह से 60 डिग्री आगे खसक चुका है। अब ये जब 60 डिग्री इधर आगे खसक रहा है तो जब ये अपनी पोजीशन से आगे बढ़ता है तो देखिए ये जो एंगल आपको दिख रहा था 90 डिग्री, ये इस एंगल को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, तो उसके लिए एरो देखिए, ये एरो अगर अंदर की तरफ लगा हुआ है मतलब डेफिनेटली एंगल को कम कर रहा है। तो हम 90 में से 60.5 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आया कितना, 82.5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 82.5 डिग्री। आगे देखते हैं 12:20, तो ये 12 और ये 20,
अब एंगल कितना दिख रहा है हमको, तो देखिए ये 90 डिग्री था, 30 डिग्री और जोड़ दीजिए, 120 डिग्री दिख रहा है। अब 20 मिनट हो गए, बड़े कांटे को आगे चले कितने मिनट हो गए, 20 मिनट, 20 मिनट में छोटा कांटा आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा 10 डिग्री, कितना आगे बढ़ेगा 10 डिग्री, आगे बढ़ रहा है अंदर की तरफ, मतलब -10 डिग्री, मतलब 110 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 12:25 की बात करते हैं, तो ये 12:25 और 30 डिग्री जोड़ दीजिए, तो यहाँ तक कितना था भाई 120 डिग्री, यहाँ कितना हो गया 150 डिग्री, कितना हो गया 12 और ये 5, 25, 25 मिनट है ना, 25 मिनट में कितना आगे बढ़ा होगा, 25 का आधा, 25 का आधा कितना 12.5, तो माइनस करेंगे कितना 12.5, क्या कर देंगे माइनस 12.5। आगे आते हैं 12:30 देखते हैं, 12:30, तो ये 12 और ये 30, 180 डिग्री एंगल कितना दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है, पर अब बड़ा कांटा कहां पे पहुंच गया, 6 पे पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब आधा घंटा हो गया उसको चलते चलते, तो 30 मिनट में छोटा कांटा कितना आगे बढ़ गया होगा, 15 डिग्री आगे बढ़ गया होगा, कितना आगे बढ़ गया होगा 15 डिग्री आगे बढ़ गया होगा, 30 का आधा 15, तो 180 में से क्या माइनस कर देंगे 15, तो 165 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया आपको, तो ये जो मैंने आपको अभी मेथड बताया है ये पहले आधे घंटे के लिए है, जब 12 से लेके 12:30 तक का टाइम हुआ था। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। 12:35, अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा बदल जाएगा, ये 12:35 इस तरीके का टाइम होगा। अब अगर हम इधर से एंगल देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एंगल हो जाता है 180+30 210 डिग्री का हो जाता है। हमेशा याद रखिए कि क्लॉक के क्वेश्चंस में अंतः कोण निकालने के लिए पूछा जाता है, ना कि बाह्य कोण। अंतः कोण 180 डिग्री से छोटे होंगे, 180 डिग्री से बड़े नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं निकालना है, मतलब ये वाला कोण निकालना है उनको, समझ गए आप। ठीक है, तो अब ये वाला कोण देखते हैं भाई, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री का होगा। कैसे पता कि 150 डिग्री का होगा, बड़ा सिंपल है, यहां से लेके यहां तक 180, 30 कम हो गए तो 150, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये 12 पे 7 पे तो 8, 9, 10, 11, 12, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिया 15, अभी मैंने आपको बताया था एक सेक्शन 30 डिग्री का है, मतलब 150 डिग्री। अब देखिए आगे क्या होगा, अब ये जो 12 है, ये जो छोटा कांटा है जो 12 पे है, ये आगे बढ़ेगा किसकी तरफ, 1 की तरफ, कितना आगे बढ़ेगा, यहाँ पे कितने मिनट हो गए भाई, 35 मिनट हो गए। ध्यान से समझिएगा, जितने भी मिनट हो जाते हैं उसका जस्ट हाफ, उसका जस्ट हाफ छोटे कांटे का डिग्री में रोटेशन होता है, तो 35 का हाफ 17.5 डिग्री, कितना 17.5 डिग्री, कौन चलेगा आगे, छोटा कांटा चलेगा, किसकी तरफ चलेगा, एक की तरफ चलेगा, तो जब छोटा कांटा एक की तरफ चलेगा तो देखिए आर का आपको बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पे प्लस होगा, क्या होगा प्लस, अभी माइनस हो रहा था अब प्लस होगा, तो 150 प्लस 17.5 डिग्री, मतलब 167.5 डिग्री, ये आपका आंसर है भाई। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शुरू के आधे घंटे माइनस होगा और बाकी के आधे घंटे प्लस होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट में नहीं बता रहा हूं, ना ही आपको याद रखना है। हमेशा ये तीर का निशान लगाना है कि छोटा कांटा किधर चलने वाला है, छोटा कांटा आगे की तरफ ही बढ़ेगा हमेशा की हमेशा, पर ये अगर अंदर की तरफ आ रहा है एंगल के तो माइनस होगा, और एंगल के बाहर की तरफ निकल रहा है तो प्लस होगा। 12:40 की एक और पोजिशन देखते हैं, 12:40, ये 12, ये 40, तो ये 12 पे, ये 8 पे, अब 9, 10, 11,
एक दो तीन चार, और चार सेक्शन है 30 डिग्री के, 4 × 3 = 12, 120 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 120 डिग्री का एंगल। अब कितने मिनट हो गए भाई? बड़ा कांटा आ गया, 40 मिनट आ गए, तो 40 का आधा, ठीक है, 40 का आधा, 40 मिनट का आधा बराबर 20 डिग्री। कौन चलेगा? छोटा कांटा चलेगा। किधर चलेगा? एक की तरफ चलेगा। देखिए एरो किधर जा रहा है? बाहर की तरफ, तो क्या होगा? प्लस होगा। तो 120 प्लस 20 बराबर 140 डिग्री, मतलब एंगल कितने डिग्री का होगा? 140 डिग्री का। हमेशा याद रखिए, 180 से कम के एंगल निकालना है, 180 से बड़े एंगल कभी नहीं निकालना है जब तक बोला ना जाए। अगर बोला जाए कि भाई ये कोण निकालिए, तब मैं आपको बताऊंगा बाद में कि उसके लिए क्या करना है। हमेशा इंटरनल एंगल निकाला जाता है। 12:45 देखिए, ये 12 पे और ये 45 पे, मतलब 9। अब आप बोलेंगे कि 12:45 का टाइम ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने 12 का छोटा कांटा 12 पे टिका रखा है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला जो लिखा है 12, तो आपको छोटा कांटा 12 पे टिकाना है। आप पीछे लिखा है 45, मतलब बड़ा कांटा 45 मिनट घूम के जहां पे आने वाला हो उस पोजीशन पे रखना है। एंगल देखिए कितना डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। बड़ा कांटा कितना चल चुका है? 45 मिनट चल चुका है। 45 मिनट का आधा कितना? 22.5 डिग्री। जो भी मिनट होगा उसका आधा, ये टेबल नहीं देखना है, यहाँ पे जितने भी मिनट का समय है उसका हाफ करना है आपको। तो 45 मिनट का हाफ 22.5 डिग्री। ये छोटा कांटा एक की तरफ चला, मतलब एरो का चिन्ह देखिए बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है मतलब कि ये एंगल प्लस होगा। तो 90 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री बराबर 112.5 डिग्री, ये आपका एंगल निकला है। आया समझ में कि नहीं आया? एक और लास्ट वो आपको बता देता हूं। 12:50, तो ये 12 और ये 50, मतलब ये छोटा कांटा 12 पे और ये कांटा 10 पे, तो 10 से 11 12 कितने डिग्री का एंगल लिख रहा है? सिर्फ 60 डिग्री। 30 और 30, 60। कितने डिग्री? 60 डिग्री। और ये बड़ा कांटा कितना आगे चल गया? 50 मिनट। तो 50 का आधा 25 डिग्री, तो और ये किधर चलेगा? एक की तरफ। तो 60 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर 85 डिग्री का एंगल है। आया? थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, किताबों में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि बहुत कठिन है, रटने वाला है, आप लोग रटेंगे फिर भी गलती हो जाएगी। यहाँ ये मेथड थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी समझने लायक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिए। मेरी गारंटी है, अगर आपने 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक हर 5-5 मिनट के इंटरवल में ऐसा करके देखा, तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। इस पे एक और वीडियो कल मैं आपको आपके लिए अपलोड करूंगा। कल का वो वीडियो देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।